हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम कक्षा एक विषय हिंदी पाठ एक आज हम पढ़ेंगे पढ़ने की तैयारी। उसमें सबसे पहले आएगा हमारा विद्यालय, यानी कि मेरा विद्यालय। उसमें सबसे पहले आएगा हमारा नाम। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यानी मेरा नाम। आपका जो भी नाम है वह यहाँ पहले लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ को अपनी फ़ोटो चिपकानी है। क्या करना है, आपकी अपनी फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद आएगा मेरा विद्यालय, यानी कि मेरे विद्यालय का नाम। तो हमारे विद्यालय का नाम क्या है, तो हमारे विद्यालय का नाम है सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। उसके बाद हमें आगे आएगा, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जो हमारे स्कूल से रिलेटिव है। इस चित्र में हमें स्कूल में क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर बताया गया है। तो हम सबसे पहले चित्र में हम क्या देख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताती हूँ। तो सबसे पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले चित्र में हमें एक स्कूल दिखाई दे रही है, और उसके आगे एक स्कूल बस, हमें स्कूल वैन दिखाई दे रही है। जो स्कूल वैन वाले अंकल है वो कुछ बच्चों को स्कूल के तरफ लाए हैं, वैसा हमें दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे वैन से नीचे उतरकर स्कूल के तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले चित्र में हमें स्कूल बस के अंकल और कुछ बच्चे और स्कूल, ये सब हमें फर्स्ट चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो और दूसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक प्लेग्राउंड है जिसमें सब बच्चे एक साथ समूह में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हमें दूसरे चित्र के द्वारा बताया गया है। ये सारे बच्चे एक साथ मिलकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हमें दूसरे प्लेग्राउंड के चित्र में हमें दिखाई दिया गया है। और तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक क्लासरूम है जिसमें बच्चे बेंच पर बैठे अपनी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर अपनी बुक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और पीछे वॉल पर हमें पोस्टर दिया, पढ़ाई के अल्फ़ाबेट के पोस्टर दिखाई दे रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो तीसरे चित्र में हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। और चौथे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो चौथे चित्र में हमें कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये लड़की झूला झूल रही है और ये दो बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। इस चित्रों के द्वारा हम स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है, ये थोड़ा बहुत हमें इस चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया को देखने को और सीखने को ज़रूर मिलता है। तो भी देखा चिड़ियाघर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु पक्षी और कौन कौन गया था उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमें पूरा का भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि चिड़ियाघर में कौन कौन गया था और उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओके। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे मम्मी संग थी, संग था भैया बल, आगे आगे चलती छुटकी कहती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा भालू देखा, देखा हमने शेर बब्बर, एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर, उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर, घूर रहा था मोटा बंदर खो खो करता गया किधर, मैना बुलबुल गरैया जब देख लिए तो देख तोते, लाल बैंगनी नीले आहा तोते भी क्या होते ऐसे, उनसे भी ज्यादा सुंदर थे मोर नाचते थर थर थर, देखी प्यारी प्यारी बतके तैर रही थी पानी पर, कभी कुद करती गोते खाती भाग रही थी इधर उधर, छुटकू ने भी दाने फेंके तो दौड़ी आई कैके कर, उतल बिलाव भेड़िया देखा हिरन जेबरा हिप्पो भी, एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ बगुला लोभी, मम्मी बोली मजा आ गया चलो चले अब अपने घर।
अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं हमारी वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि हमारे स्वर और व्यंजन। तो स्वर में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? तो स्वर में सबसे पहले हमारा आएगा अ। क्या आएगा? अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ए, ओ, औ। सबसे पहले हमारा क्या आता है? अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ए, ओ, औ। ये हमारे सारे के सारे हमारे स्वर हैं जो हमें हमें पढ़ने हैं और याद करने हैं। उसके बाद हमारा आएगा व्यंजन। तो व्यंजन में हमारे सबसे पहले व्यंजन कौन सा है? तो सबसे पहला व्यंजन है हमारा क, फिर दूसरा है हमारा ख, फिर ग, ख, ड, डंग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। तो ये सब हमारे व्यंजन हैं। एक बार मैं फिर से हमारे व्यंजन बोलती हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ करने हैं। क, ख, ग, क, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ट, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। इसके बाद हमारे आएंगे संयुक्त व्यंजन, यानी के दो व्यंजन को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं संयुक्त व्यंजन, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसमें कौन से व्यंजन आते हैं हमारे? क्ष, त्र, घ्न, अण और श्य। तो कौन से संयुक्त व्यंजन आएंगे हमें? क्ष, त्र, घ्न, क्ष। उसके बाद आएगा हमने सीखे तो अम, अह, अन, डंग। तो हमने सीखने में आएगा अम, अह और डंग। हमने देखा चिड़ियाघर, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या आएगा? हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे, मम्मी संग थी, संग था भैया बल, आगे आगे चलती छुटकी करती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा, भालू देखा, देखा हमने शेर पप्पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताया गया है? तो सब मिलकर चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो कौन कौन साथ में है? तो सबसे पहले साथ में है पापा, मम्मी, भैया बलरल, और उनसे सबसे आगे कौन चल रहा है? तो उनसे सबसे आगे छुटकी चल रही है। और वो सबसे पहले क्या देखना चाहती है? तो वो सबसे पहले बुलबुल देखना चाहती है। पर पहले उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा हाथी, देखा भालू, देखा फिर शेर बब्बर यानी के सिंह, सिंह को उन्होंने देखा। और वो सब साथ में हैं, और वो सब पहले क्या देखते हैं? मम्मी साथ में है, पापा साथ में है, भैया बल साथ में है, पर उनसे सबसे आगे चल रही है छुटकी, और वो सबसे पहले बुलबुल देखना चाहती है। और उन्होंने हाथी, भालू और शेर बब्बर देख चुके हैं वो। फिर वो क्या देखते हैं? एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर, उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर, घूर रहा था मोटा बंदर खो खो करता गया किधर। एक पेड़ पर काले मुंह वाला लंगूर कूद रहा था, उन्होंने क्या देखा? एक
पेड़ पर जो काले मुंह वाला लंगूर है वो उछल कूद कर कर करतब दिखा रहा था, और वो सब देखकर पापा हंसने को मजबूर हो गए। और फिर उन्होंने आगे क्या देखा, एक मोटा बंदर था जो क्या कर रहा था, वो घुर्रा रहा था, वो गुस्सा कर रहा था, और वो खो खो करतर कहीं गायब हो गया, कहीं चला गया। तो उन्होंने दूसरा क्या देखा, तो उन्होंने एक पेड़ देखा जिस पर काले मुंह वाला लंगूर था जो उछल कूद कर कर करतब दिखा रहा था, जिसे देखकर पापा हंसने को मजबूर हो गए। उनसे हंसी रोकी नहीं गई, वो हंस रहे थे। तो उछल कूद यानी के कूदना, कर्तव्य यानी के वो अपना कर्तव्य दिखा रहा था, वो उछल कूद करके अपने अपना कर्तव्य दिखा रहा था, और वो सब देखकर पापा को हंसी अपनी रोकी नहीं गई। घुर्राना यानी के वो गुस्सा कर रहा था, मोटा बंदर क्या रहा था, घुर्रा रहा था, और खो खो करता यानी के वो गुस्सा कर कर कहीं चला गया। फिर वो आगे क्या देखते हैं, तो वो आगे मैना देख रहे हैं, बुलबुल देख रहे हैं, गौरैया, गौरैया यानी के चिड़िया, गौरैया का मतलब होता है चिड़िया। उन्होंने क्या देखा, मैना बुलबुल गौरैया देख लिए, तो देखा तोता लाल बैंगनी नीले, यहाँ तोते भी क्या होते ऐसे, उनसे भी ज़्यादा सुंदर थे, मोर नाचते थर थर थर। तो उन्होंने आगे अब क्या देखा, तो उन्होंने आगे मैना देखी, उन्होंने आगे मैना देखी, बुलबुल देखी, गौरैया यानी कि चिड़िया देखी, और वो सब देखने के बाद वो क्या देखने गए, तो वो सब देखने के बाद वो तोते देखने को गए। तो तोते कौन कौन से रंग के थे, तो तोते लाल बैंगनी नीले, वो सब रंग के तोते उन्होंने देखे, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसे रंग के भी तोते हो सकते हैं। ऐसे उनको ऐसा लगा कितने रंग बिरंगी तोते हैं, और देखकर आगे बढ़े, पर उनसे भी ज़्यादा उन्होंने क्या देखा, तो उनसे भी ज़्यादा सुंदर थे वहाँ नाचते थर थर नाचते मोर। कौन नाच रहा था, तो मोर जो उनसे भी ज़्यादा सुंदर थे, और वो नाच रहे थे, कैसे नाच रहे थे, तो थर 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 वो थर थर मोर नाच रहे थे। फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या देखते हैं, तो वो एक प्यारी बतखे देख रहे हैं जो क्या कर रही है, देखी प्यारी बतखे तैर रही थी पानी पर, कभी कुत्ती कुद करती गोते खाती भाग रही थी उधर उधर, देखी प्यारी बतखे तैर रही थी पानी पर, कभी कूद करती गोते खाती भाग रही थी इधर उधर, चुटकी ने भी दाने फेंके तो दौड़ी आई कह के कर। एक पंक्ति में आपको फिर से सुनाती हूँ, देखी प्यारी बतखे तैर रही थी पानी पर, कभी कूद करती गोते खाती भाग रही थी इधर उधर, चुटकी ने भी दाने फेंके दौड़ी आई कह के कर। उन्होंने फिर क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि प्यारी बतखे थी जो पानी में तैर रही थी, और वो क्या कर रही, तो वो कूदती कूदती पानी में गोते खाती यानी कि पानी के अंदर जाना और अंदर जाके बाहर आने यानी कि गोते खाती, ऐसे इधर उधर वो भाग रही थी। फिर छुटकी जो दाने लाई थी वो उनकी तरफ उसने उसकी तरफ फेंके, तो जैसे ही दाने छुटकी ने उनकी तरफ फेंके, तो वो दौड़ कर दाने खाने के लिए कहके कर कर दानों के पास चली आती है। तो कौन दाने फेंक रहा है, तो छुटकी ने दाने फेंके, तो बतके कहके कर कर दाने खाने के लिए उसके पास चली आई। उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया, तो उसने उसके बाद उधर बिलाव यानी बीवर, उन्होंने क्या देखा, उधर बिलाव यानी कि बीवर, उन्होंने देखा उधर बिलाव, भेड़िया दिखा, हिरन दिखा, चेबरा दिखा, हिप्पो देखा, और एक टांग पर ध्यान लगाकर खड़ा हुआ बबूला लोभी। बबूला लोभी एक टांग पर खड़ा क्यों होता है आपको पता है, वो पानी में देखता है, जैसे ही उसे मछली दिखती है वो एक ही टांग पर खड़ा रहकर ही देखता है, और जैसे ही उसे मछली देखे वो ऐसे एक ही झटके में वो मछली पकड़ लेता है, इसलिए उसे लोभी भी कहा जाता है। तो क्या करा, एक टांग पर लगा ध्यान लगा कर खड़ा हुआ कौन खड़ा है, तो बगुला जो एक टांग पर खड़ा है जो लोभी है, वो उन्होंने देखा। फिर मम्मी बोली मजा आ गया, चलो चले
अब अपने घर। अब मम्मी बोली सारे जानवर उन्होंने अब देख लिए हैं, तो अब सारे जानवर देखकर उनको मजा आ गया, अब अपने घर को जाने को कह रही है। कौन कह रहा है? मम्मी। उधर बिलाओ भेड़िया देखा, हिरन जेब्रा हिप्पो भी, एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ बबूला लोभी भी। मम्मी बोली मजा आ गया, चलो अब अपने घर। हो सब अपने मजा कर करके अब अपने घर को जाने को मम्मी कह रही है। ओके, तो हमने इस काव्य में क्या क्या देखा? तो हमने इस काव्य में देखा हाथी, हिरण, जेब्रा, वो सब हमने इस काव्य में देख लिया। तो इस काव्य में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? तो चुटकी सबसे पहले क्या देखना चाहती है? तो सबसे पहले चुटकी देखना चाहती है बुलबुल। फिर वो क्या देखते हैं? तो फिर वो देखते हैं हाथी, भालू, शेर बब्बर, फिर काले मुंह वाला लंगूर, फिर उछल कूद करता है लंगूर, फिर वो एक बंदर देखते हैं जो घुर्राया हुआ था, वो कहीं चला जाता है, पर उन्होंने क्या देखा? बंदर। फिर मैना देखी, बुलबुल देखी, गोरैया यानी कि चिड़िया देखी, फिर उन्होंने तोते देखे जो नीले लाल बैंगनी कलर के थे, जो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने कलर के भी हो सकते। उसके बाद उन्होंने मोर नाचता हुआ देखा, फिर उसके बाद उन्होंने बतख देखी जो पानी में तैर रही थी, इधर उधर उछल कूद कर रही थी, गोते खा रही थी ऐसी, और उसको छुटकी ने दाने भी खिलाए। फिर उसके बाद वो देखते हैं उधर बिलाव भेड़िया, हिरन, जेब्रा, हिप्पो भी देखते हैं, और एक लोभी बबूला भी वह देखते हैं।